नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी लाइव। आइए रुख करते हैं खेल जगत की खबरों की तरफ। रियो ओलंपिक के लिए एथलीटों के विदाई समारोह में बोले सलमान, बेस्ट करो और रियो से जितना लेकर आ सकते हो ले आओ, जाओ और उठाकर पटको, भारतीय दल के गुडविल एम्बेसडर हैं सलमान खान। लॉर्ड्स के नायक बनने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाज यासिर शाह को मिला नंबर वन का ताज, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में बने दुनिया के शीर्ष गेंदबाज, इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन को पछाड़ते हुए हासिल किया मुकाम। यूपी के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ बने छत्तीसगढ़ की पहली रणजी टीम के कप्तान, 10 साल से टीम इंडिया से बाहर हैं कैफ, घरेलू मैचों में भी कुछ खास प्रदर्शन ना होने से चयन पर उठे सवाल। एन यूरिन डोनाल्ड ने की 31 साल पुराने रवि शास्त्री के रिकॉर्ड की बराबरी, इंग्लैंड काउंटी की टीम ग्लेमोर्गन की तरफ से खेलते हुए जड़ा सबसे तेज दोहरा शतक, 19 वर्षीय बल्लेबाज डोनाल्ड ने 123 गेंदों में 15 छक्कों की मदद से बनाए 200 रन। सौरभ घोषाल और दीपिका पल्लिकल ने रचा इतिहास, 73वीं सीनियर राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किया अपने नाम, चिनप्पा 15वीं बार इस खिताब को अपने नाम करने से चूकी। ये तो हुई खेल जगत की खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।